भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ ने शिंदे गुट के नेता पर की फायरिंग, धुआंधार 8 से 9 राउंड गोली चलाए। भाजपा विधायक गणपत ने शिंदे गुट जख्मी। उल्लासनगर के हिल लाइन पुलिस स्टेशन में सीनियर के केबिन में हुई धुआंधार फायरिंग। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे ठाणे शहर के उल्लासनगर में बीती रात को एक ऐसी फायरिंग हुई जिसे लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं और जांच अपने चरम पर है। उल्लासनगर के हिल लाइन पुलिस थाने की हद में जमीन के विवाद को लेकर भाजपा विधायक और शिवसेना शिंदे गुट के कल्याणपुर शहर प्रमुख के बीच पहले झगड़ा, फिर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के केबिन में ही 8 से 9 राउंड फायरिंग से पूरा इलाका हिल गया। कल्याण शहर के उल्लासनगर में शिवसेना शिंदे गुट के कल्याणपुर शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ पर फायरिंग की गई। हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि उल्लासनगर के हिललाइन पुलिस थाने में फायरिंग की घटना हुई है जिससे सनसनी मच गई और इलाके में हड़कंप भी मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक विधायक गणपत गायकवाड़ ने थाना इंचार्ज अनिल जगताप के केबिन में महेश गायकवाड़ से कहा सुनी हुई। इस बीच बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, कुछ आवाज आई जिसके बाद अधिकारी अनिल जगताप केबिन से बाहर निकले और इस बीच भाजपा विधायक गणपत ने अपने साथियों के साथ केबिन में बैठे विरोधियों पर धुआंधार गोली चला दी जिसमें महेश गायकवाड़ और राहुल पाटिल बुरी तरह जख्मी हो गए जिन्हें नजदीक के अस्पताल में एडमिट किया गया। इस गोलीकांड के पीछे की सच्चाई क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाई, लेकिन सूत्र बताते हैं कि ये पूरा मामला जमीन विवाद का है। गणपत पाटिल ने जहां जमीन पर फाउंडेशन मारा था वहीं महेश अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा और उसे तोड़ दिया, जिसके बाद ये पूरा मामला उग्र रूप ले लिया। वहां पर पहुंची पुलिस दोनों तरफ के लोगों को पुलिस थाने लाई। पुलिस बीच बचाव कर मामले को सुलझाती, उससे पहले ही भाजपा विधायक ने पूरे मामले को उलझा दिया। गोलीकांड में घायल हुए लोगों की तबीयत बिगड़ती देख उन्हें आनन फानन में ठाणे शहर के जुपिटर अस्पताल के आईसीयू में एडमिट किया गया। वहीं पुलिस बड़ी ही गंभीरता के साथ मामले की जांच कर रही है और तमाम तथ्यों को खंगाल रही है जो गोलीकांड का जरिया बना। आपको बताते चले कि महेश गायकवाड़ शिवसेना शिंदे गुट के कल्याणपुर शहर प्रमुख हैं और कल्याण की राजनीति में एक बड़ा चेहरा माना जाता है, साथ ही वे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कट्टर समर्थक भी हैं। मिली सूत्रों की जानकारी के मुताबिक गोलीकांड के बाद पुलिस ने भाजपा विधायक को पुलिस थाने में बैठा लिया है और मामले की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से पुलिस स्टेशन में अधिकारी के केबिन में गोली चली है उसे लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मुंबई से सटे कल्याण शहर से पुलिस महानगर के लिए जीतेश चौधरी की खास रिपोर्ट। सर क्या मामला है, क्या कैसे सटे आ लेते थाम पर फिर थामना सर क्या मामला है? लाइन पुलिस स्टेशन में महेश गायकवाड़ और गणपत गायकवाड़ दोनों का आपस में किसी इशू पे कुछ विवाद था, इसी कारण कुछ कंप्लेंट देने वो आए थे। उसी दरमियान दोनों में चर्चा चल रही थी, उसी दरमियान आमदार गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ और उसके साथियों पर गोलीबार किया है। उसमें दो लोग जख्मी है और आगे की तहकीकात शुरू है। सर पुलिस राउंड फायर था जो पुलिस कितने राउंड फायर हुई है? राउंड फायर है सर, दोनों साइड से फायरिंग हुई बताया जा रहा है। पूरी डिटेल तहकीकात शुरू है, ये पूरा होने के बाद आपको डिटेल बताया जाएगा। सर दोनों सर दोनों बाजू से फायरिंग हुई ऐसी बात सामने आ रही है? फायरिंग एक बाजू ने झाली अशी उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज वरून दिसते, परंतु आता अधिक तपास सुरू आहे त्यानंतर आपल्याला सांगणार। सर कुठला वाद होता, काय नेमकं? गणपत गायकवाड़ आमदार क्या हुआ है, क्या हुआ? पुलिस चौकी सीनियर पीआई के ऑफिस में गोली चलाया गणपत गायकवाड़। क्यों चलाया? मैं अभी क्या हुआ अंदर का अपने को क्या मालूम, अपन बाहर थे। उसके बाद गणपत सेठ गोली चलाया और महेश गायकवाड़ के पास और राहुल सेठ के ऊपर। महेश गायकवाड़ को और राहुल भाई को किधर किधर लगाया? राहुल सेठ को इधर लगाया, महेश गायकवाड़ को इधर और इधर पांच गोली लगाए। ज्यादा लगाए क्या? ज्यादा लगाए, पांच गोली लगाए महेश गायकवाड़ को। क्या किया वहां से उठा के उनको लेके हम लोग हॉस्पिटल आए? ये हॉस्पिटल में हाँ।